हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल वीजे एफएक्स पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिस्टम सेटिंग के बारे में कि आपको अपने सिस्टम की यानी कि ईडीएस की सेटिंग कैसे रखनी चाहिए। आइए जानते हैं। सबसे पहले ये मैंने ईडीएस ओपन कर रखा है, ये फुटेज को हम दूसरे उस पर ले लेते हैं। जैसे कि आपने सिस्टम सेटिंग हमारा यहाँ पर आएगा, सेटिंग में जाने के बाद में आपका सिस्टम सेटिंग यहाँ से क्लिक होता है। अब इस सिस्टम सेटिंग में हमें क्या करना होता है, कई बार एप्लीकेशन ये होती है इसमें, तो इसमें क्या है आपका कैप्चर की सेटिंग ऑलरेडी बनी रहती है आपकी, है ना। कंफर्म रियल नेम सेटिंग ये आपकी रहती है। चेक फॉर अपडेट के लिए जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन रहता है, इसको भी आपको बाय चांस अगर आप वैसा पायरेटेड यूज करते हैं तो इसको हटा देना चाहिए, है ना। कलर स्पेस आपका यही रहेगा सेम, इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। फाइल एक्सपोर्ट, रेंडर, रेंडर में क्या है आपके पास में जैसे रेंडर फिल्टर होते हैं ये सारी चीज़ों के इसमें स्पेस लगे हुए हैं, है ना। सोर्स ब्राउजर यही सेम डाला हुआ है। इसके बाद हम चले जाते हैं कलर करेक्शन में, एनवीडिया जी फोर्स, कई बार ऐसा क्लिक आपका रहेगा तो एनवीडिया का कार्ड जो आप यूज कर रहे हैं उसको यहाँ पर ऐड कर देना ताकि आपकी प्रॉपर क्वालिटी निकल सके। उसके बाद ये आता है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन, यहाँ से भी कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि ऑलरेडी इसमें हो रखी है आपकी, वो हर सिस्टम में होती रहती हैं, है ना। ये आपका स्टिल इमेज इसका रहता है ऑप्शन, इनपुट कंट्रोलर, तो इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करने की दोस्तों ज़रूरत नहीं रहती है, है ना। तो इसको आप ज़रूरत नहीं है इसको छेड़ें कि इसमें काम करें, है ना। बस ये आपका एज ए आपको मैंने गाइड करने के लिए बता दिया है ताकि आप इसका यूज कर सकें फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत आती है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।